हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। अब क्योंकि विंटर वेकेशंस चल रही हैं तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ फ़न लर्निंग गेम्स की सीरीज़ शेयर करूं। यानी कि नेक्स्ट वीक तक आपके साथ मैं रोज़ एक वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें एक लर्निंग गेम, ऐसी कोई गेम आपको बताऊंगी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा एंड साथ ही साथ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो ये गेम्स है बेस्ट फॉर टॉडलर्स, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो उन पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी है जो अपने स्टूडेंट्स को इंगेज करना चाहते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में जिसमें वो ना ही स्टूडेंट्स इंजॉय करें बट उसमें बहुत कुछ सीखें भी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गेम, कि गेम को डिस्क्राइब किया जाएगा कि उसको कैसे खेली जाती है, देन डेमोन्स्ट्रेट भी किया जाएगा, वो खेल कर भी दिखाई जाएगी, एंड देन बेनिफिट्स बताए जाएंगे कि उस गेम को खेलने से क्या क्या सीखते हैं स्टूडेंट्स, एंड लास्ट में स्कोप, किसको हम और डिफरेंट तरीके से कैसे खेल सकते हैं, किससे और भी चीज़ें हम कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अरमान। तो आई होप आप अपनी विंटर वेकेशन एंजॉय कर रहे होगे और बहुत सारी गेम्स भी खेलते होगे। आज मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम बताने वाला हूँ जिसका नाम है टिप्पी टिप्पी टैप। इस गेम में एक प्लेयर की टर्न आती है और जो बाकी बच्चे होते हैं वो उस प्लेयर से पूछते हैं, टिप्पी टिप्पी टैप, विच कलर डू यू वांट, जिसका मतलब है कि आपको कौन सा कलर चाहिए। और सपोज उसने कहा कि आई वांट कलर रेड, तो फिर बाकी बच्चों ने जल्दी से भागकर कोई भी रेड कलर की चीज़ को टच कर लेना है। और अगर वो किसी भी बच्चे ने रेड कलर की चीज़ को टच नहीं करा और प्लेयर ने उसको पकड़ लिया तो उसकी टर्न आ जाती है। अभी तक नहीं किया रेड कलर को। ओह थैंक यू, तो चलो खेलते हैं। लेट्स सी व्हिच टर्न इट इज। ओके, पुगाटा। ओह इट्स रणवीर्स टर्न। ओके, आई विल गिव द टर्न। टिपी टिपी टैप, व्हिच कलर डू यू वांट? I want orange. No, this is red. Oh, my God, this is red. This is orange. Oh, I'm getting orange. I won. Yay. No. Let's do it again. Okay. They got out. So now it's your turn. Okay. Tippy, tippy, tap. Which color do you want? I want yellow. Yellow? What up? Enjoyed the game. Oh, I'm hungry. Let's eat now. तो देखिए कितनी ही इजी और इंटरेस्टिंग गेम थी। आई एम श्योर आपने इसको पहले बहुत बार खेला होगा। तो आइए जानते हैं इस गेम के बेनिफिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट्स लर्न कलर नेम्स, उनको कलर नेम्स याद हो जाते हैं। देन दे रिकॉग्नाइज कलर्स, वो कलर्स को रिकॉग्नाइज करना, उनको पहचानना भी सीख जाते हैं। तो यकीन मानिए जब भी स्टूडेंट्स गेम खेलते हैं तो उनको ये रहता है कि हम आउट ना हो जाएं, इसके लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं कलर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो ये मैं बात कर रही हूँ छोटे स्टूडेंट्स की, जिनको अभी कलर्स के साथ हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। देन स्टूडेंट्स लर्न सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इसमें दो सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, विच कलर डू यू वॉन्ट एंड दूसरा सेंटेंस है आई वॉन्ट। तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट, तो जब इतना स्टूडेंट सीख गया इसके बाद इसको वो कहीं भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट पेन, तो इसको वो आगे भी यूज़ कर सकता है। तो इसमें स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है स्टूडेंट्स की। देन इट इम्प्रूव्स अटेंटिवनेस, स्टूडेंट्स अलर्ट और अटेंटिव बन जाते हैं। एंड देन ऑफकोर्स ये फिजिकली एक्टिव है, तो स्टूडेंट्स को जैसे बहुत ज़्यादा रनिंग इन्वॉल्व है तो फिजिकली भी एक्टिव हो जाते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इस गेम के स्कोप के बारे में, मतलब इसको और हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इससे क्या कुछ सीखा जा सकता है। दिस गेम कैन बी यूज टू लर्न एन नंबर ऑफ थिंग्स,
तो बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल शेप सिखाने के लिए, नाउन्स, नंबर्स एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपली कहें टिपी टिपी टैप व्हाट डू यू वांट, और स्टूडेंट कहे आई वांट पेन, तो सभी स्टूडेंट्स पेन को टच करें, या आई वांट डोर, तो ऐसे ही नाउन्स या फिर कुछ भी चीज़ों सिखाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली शेप्स, अगर वो कहे आई वांट ट्रायंगल या सर्कल, तो प्री प्राइमरी क्लासेस में ऐसी फिगर्स पड़ी होती हैं, शेप्स बनी होती हैं, उसको टच कर सकते हैं. सिमिलरली नंबर्स को अगर रिकॉग्नाइज करना सिखाना हो तो हम नंबर्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं. दिस गेम कैन बी प्लेड इनडोर्स और आउटडोर्स, तो इसको हम आउटडोर्स भी खेल सकते हैं जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा. इसके अलावा हम इसको इनडोर्स भी खेल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सभी स्टूडेंट अपने ही प्लेसेस पे बैठे रहे, उनके सामने सपोज करो कलर्स रखे हैं, स्केच पेन हैं सबके पास, एंड अगर बोला जाए आई वॉन्ट पिंक, और सभी अपने पिंक कलर जो है दिखा सकते हैं. तो इसको इनडोर भी हम यूज़ कर सकते हैं, इस गेम को हम आउटडोर्स भी खेल सकते हैं. दिस गेम कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ लर्नर्स, तो इसको हम अपने लेवल ऑफ लर्नर्स के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करके खेल सकते हैं. तो ये बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग गेम थी, जो आई होप आप आगे से इसको खेलेंगे, इंजॉय करेंगे, और ये भी ध्यान में रहेगा कि इससे आप क्या कुछ सीख रहे हैं. तो आगे ही नेक्स्ट पार्ट जो लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम देखेंगे ऐसी ही कोई और इंटरेस्टिंग और ईजी गेम जो आप अक्सर खेलते होंगे, और उसको हम नए तरीके से इसको देखेंगे कि हम कैसे इसको खेलकर कुछ सीख भी सकते हैं.